ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की लेटेस्ट जानकारी के लिए कार मेरे यार सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को पुश करें ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपके पास पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं हेक्टर और हेक्टर प्लस की। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे सामने है, तो देखते हैं क्या डिफरेंसेस हैं, क्या चेंजेस हैं इंटीरियर में, एक्सटीरियर में, इंजन्स में या डायमेंशंस में कुछ फ़र्क है। तो देखते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं बात को। पहले बात करते हैं दोस्तों फ्रंट से। जो एक्सटीरियर है इसका, एक्सटीरियर के अंदर काफ़ी सारे इलेक्ट्रिकल चेंजेस हमें देखने को मिलेंगी। यानी कि रोड के ऊपर अगर चल रही थी गाड़ी, देखेंगे हम हेक्टर और हेक्टर प्लस, तो क्लियरली बता सकते हैं कि हेक्टर प्लस है। हालांकि चेंजेस इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन डिफाइन कर सकते हैं आराम से वो क्या है। सबसे बड़ी बात तो पहले ग्रिल का डिज़ाइन सेम है, बट उसके अंदर क्रोम की पट्टियां, क्रोम की स्ट्रिप्स जो प्रोमिनेंट थी हेक्टर के अंदर और हेक्टर प्लस के अंदर, वो नहीं है। क्रोम ग्रिल हालांकि दोनों के अंदर सेम है। बम्पर के डिज़ाइन का फ़र्क है, नीचे बम्पर के नीचे जो क्लैडिंग है वो भी फ़र्क है। उसके बाद हेडलाइट्स हैं, जो हेडलाइट्स के डिज़ाइन का फ़र्क है। LED DRLs हैं, जो वहाँ पे प्लेसमेंट जहाँ पहले थी वहीं पे रखी गई है। लेकिन अगर साफ साफ तौर पर अगर देखा जाए तो ज़्यादा क्रोम का इस्तेमाल हुआ दिखता है हमें हेक्टर के अंदर, और हेक्टर प्लस के अंदर फ्रंट की अगर पर्टिकुलर बात करूँ तो बहुत कम क्रोम का इस्तेमाल हुआ दिखता है एज़ कम्पेयर टू हेक्टर। साइड प्रोफाइल में अगर आएँ तो साइड प्रोफाइल में भी हमें कुछ खास चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। वैसे ही साइड क्लैडिंग, ब्लैक क्लैडिंग व्हील आर्चेज के ऊपर वैसे ही है। क्रोम की पट्टी साइड में चल रही है बॉडी के, तो वैसे ही उसमें भी चल रही है। लेंथ में थोड़ा फ़र्क है तो वो बाद में बात करते हैं, लेकिन लेंथ में फ़र्क जो है वो साफ नज़र आता है हमें। हालांकि टू टोन के मशीन कट अलॉय व्हील्स दोनों के अंदर दिखते हैं, और वो डिज़ाइन भी दोनों का तकरीबन सेम है, उसमें कोई खास फ़र्क नहीं किया गया। अगर मैं जाऊँ रियर पे, रियर प्रोफाइल में अगर देखें तो वहाँ से कुछ क्लियरली हमें कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स, ऐसे डिज़ाइन में एलिमेंट्स नज़र आएंगे जिससे कि दोनों गाड़ियों को हम अलग अलग बोल सकते हैं। जैसे कि हेक्टर के अंदर कहें तो काफ़ी सारा उसमें लाइटिंग का इस्तेमाल किया गया, काफ़ी सारे क्रोम का इस्तेमाल किया गया। एक साइड से दूसरी साइड को मिलाने वाली भी एक रेड स्ट्रिप है लाइट्स की, तो काफ़ी भारी भरकम सी लाइटिंग का इस्तेमाल उसमें किया गया था। लेकिन हेक्टर के अंदर जो इस्तेमाल किया है, हेक्टर प्लस में कुछ डिफरेंस किया गया है। हेक्टर प्लस के अंदर दोनों जो हेडलाइट्स हैं और टेल लाइट्स हैं, हेडलाइट्स का फ़र्क है डिज़ाइन का, टेल लाइट्स का डिज़ाइन तकरीबन सेम है, लेकिन दोनों के अंदर डिफरेंशिएट रखा गया है। जो बीच में बूट का जो डोर है उसके अंदर कुछ भी लाइटिंग का इस्तेमाल नहीं किया गया, रेड स्ट्रिप नहीं है वहाँ पे, पतली सी क्रोम की पट्टी दे दी गई है। तो जो क्लियरली हमें एविडेंट है कि ये हेक्टर और हेक्टर प्लस है, इसकी जानकारी वो दे देगी। नीचे अगर आएँ तो बम्पर के देखें तो बम्पर भी वैसे ही चेंज है, जैसे फ्रंट में फ़र्क है तो रियर में भी फ़र्क है। अगर बात करें दोस्तों हम अदर कन्वीनियंस की, जो एक्सटीरियर के अंदर हमें साफ दिखाई देते हैं, तो उसके अंदर हमें क्रोम फिनिश ऑन डोर हैंडल्स, फ्लोटिंग टर्न इंडिकेटर्स, फ्रंट एंड रियर फॉग लाइट्स, क्रोम फिनिश फ्रंट ग्रिल, LED हेडलैम्प्स, LED DRLs, रियर स्पॉइलर, शार्क फिन एंटीना और मशीन कट अलॉय व्हील्स, ये दोनों के अंदर कॉमन नज़र आएंगे, कुछ भी चेंज इसमें नज़र नहीं आएगा। और अगर बात करूं दोस्तों मैं इसके इंटीरियर की, तो इंटीरियर के अंदर 17.8 इंच का कलर्ड MID विद नेविगेशन, म्यूजिक सिस्टम और कॉलिंग की सुविधा, लेदर सीट्स, लेदर अपोल्स्ट्री, गियर नॉब्स और डोर पैड्स के अंदर लेदर का इस्तेमाल किया हुआ, डोर ट्रिम्स के अंदर इस्तेमाल किया हुआ, ये सारी चीज़ें हमें देखेंगी। 8 कलर की एम्बियंट लाइटिंग हमें इसके अंदर भी नज़र आती है और एक्टर प्लस के अंदर भी नज़र आता है। 60-40 स्प्लिट सेकेंड रो, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स भी हमें नज़र आएंगे, और रेन सेंसिंग वाइपर्स और कूल्ड ग्लव बॉक्स, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी दोनों गाड़ियों के अंदर। लेकिन सिर्फ एक साफ साफ सा फर्क एक और नज़र आएगा हमें, जहाँ पे ब्लैक लेदर का इस्तेमाल किया हेक्टर में और हेक्टर प्लस के अंदर वो थोड़ा सा ब्राउन टोन के अंदर चला जाता है। तो ये थोड़ा सा चेंज हमें इंटीरियर के अंदर नज़र आएगा। और सबसे बड़ा चेंज जिसके लिए हेक्टर प्लस को नाम दिया गया है, वो 7 सीटर नहीं 6 सीटर है, यानी कि दो दो सीट्स की 3 रोज़ बना दी गई हैं। कैप्टन सीट्स रखी गई हैं जैसे कि हेक्सा के अंदर रखी गई थी। फर्स्ट रो के अंदर 2 पर्सन, सेकंड के अंदर इंडिविजुअली हैंड रेस्ट के साथ, आर्म रेस्ट इसको बोल सकते हैं, उसके साथ 2 सीट्स हैं। पीछे भी ऐसी, तीसरी सीट के अंदर भी ऐसी ही है। दूसरी रो की सीट स्प्लिट है और उसके अंदर हमें रिक्लाइनिंग की सुविधा भी मिल जाती है, और उसको फोल्ड करके हम थर्ड रो के अंदर स्टेप कर सकते हैं। तीनों के पास इंडिविजुअली AC वेंट्स की सुविधा है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हेक्टर प्लस को अलग करती हैं हेक्टर से। बेसिकली इंटीरियर का ही ज़्यादा फ़र्क हमें नज़र आएगा।
इंफोटेनमेंट सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो 26.4 सेंटीमीटर का HD टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसके अंदर की इंटरनेट कार की सुविधा, 50 से ज़्यादा कमांड्स को उठाने की सुविधा उसके अंदर है। उसके अंदर 8 स्पीकर का इन्फिनिटी साउंड सिस्टम बहुत ही बेहतरीन है। USB, FM, AM, ब्लूटूथ, मिरर लिंक, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारपर, ये सारी सुविधाएं दोनों के अंदर हमें मिल जाती हैं और बहुत ही बेहतरीन है ये। कोई ऐसी परेशानी किसी में भी नहीं है। अगर बात करूं दोस्तों आई स्मार्ट की टेक्नोलॉजी जो फर्स्ट इन सेगमेंट यूज़ की गई थी, कनेक्टेड कार के जो फीचर्स इसके अंदर एडोब और सिस्को जैसी कंपनीज के साथ मिलकर किया गया था, वही हम इसके अंदर भी देखेंगे, जिसके अंदर की हमें रिमोट के साथ लॉक अनलॉक कार, सनरूफ को ओपन या वॉल्यूम को ऊपर नीचे करना और 100 तरह के कमांड्स अलग हैं इसके अंदर जो यूज़ कर सकते हैं, और ऑनलाइन नेविगेशन, फाइंड माई कार, व्हीकल स्टेबिलिटी चेक ऑन ऐप, ओना ऐप यानी कि एक एप्लीकेशन के अंदर आप सारी व्हीकल की स्टेटस यानी कि टायर प्रेशर, मॉनिटरिंग सिस्टम वगैरह, ये सब कुछ आप उसके अंदर देख पाओगे। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें भी देख पाते हैं। अगर बात करूँ दोस्तों सेफ्टी की, तो 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, रियर डिस्क ब्रेक फ्रंट के साथ ही, और हिल होल्ड असिस्ट, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, 360 डिग्री कैमरा, पार्किंग ब्रेक्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, चाइल्ड आइसोफिक्स, फ्रंट पार्किंग सेंसर और स्पीड अलर्ट सिस्टम जैसी सुविधाएं, ये सारी कॉमन ही है दोनों के अंदर। और हीटेड ORVMs, ये भी एक सेफ्टी का आस्पेक्ट है, खासतौर से जब हमारी सर्दियाँ या मॉइस्चर का मौसम होता है, जैसे कि बरसात का मौसम हो, तो ये चीज़ हमारी बहुत काम आती है। तो दोस्तों अगर मैं अब बात करूँ डायमेंशंस की, तो डायमेंशंस के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं, जाहिर सी बात है लेंथ का डिफरेंस है, तो वो बात देते हैं। लेंथ, विड्थ, हाइट, व्हील बेस और टायर साइज, ये चीज़ें हम देखते हैं। लेंथ की दोस्तों अगर बात करूँ तो हेक्टर प्लस का 4720 है और 4655 है हेक्टर का, जिसके अंदर की 65 mm का फ़र्क हमें नज़र आता है, यानी कि बूट स्पेस थोड़ा कम हो गया उसका, लेकिन उस स्पेस को 20 mm और ज़्यादा करके इस्तेमाल किया गया है एक थर्ड रो लगाने के लिए। विड्थ की बात करो 1835 दोनों की कॉमन है, हाइट के अंदर 1760 है वो भी कॉमन है, और व्हील बेस 2750 सेगमेंट के अंदर सबसे बड़ा। तो ये सिर्फ और सिर्फ लेंथ के फ़र्क के साथ आती है, क्योंकि गाड़ी का प्लेटफॉर्म, गाड़ी का डिज़ाइन, गाड़ी का जो आस्पेक्ट्स हैं सारे, वो सारे सेम हैं, सिर्फ लेंथ का फ़र्क थोड़ा डाला गया, प्लेटफॉर्म को थोड़ा लंबा कर दिया गया ताकि 6 पर्सन को ऑक्यूपेंट करने के लिए प्रॉपर जगह बन जाए। अब बात करते हैं दोस्तों इसके इंजन की। इंजन्स दोस्तों जैसे कि हमें पता है हेक्टर के अंदर दो तरह के पेट्रोल है, तो एक ही इंजन, एक हाइब्रिड आता है, एक नॉर्मल रखा गया है, और उसके साथ ही एक पेट्रोल के साथ साथ में डीजल के इंजन की भी एक सुविधा मिल जाती है। जो पेट्रोल वाला इंजन है उसकी अगर मैं बात करूँ तो 1.5 लीटर का इंजन है 1451 cc का, जो कि 143 PS की पावर, 250 Nm के टॉर्क के साथ जनरेट करता है, जिसके अंदर की हमें 6 स्पीड का मैनुअल के साथ DCT की सुविधा भी मिल जाती है। वहीं पे अगर दूसरे इंजन की बात करो तो फीएट सोर्स 2.0 लीटर का इंजन है, जो 1956 cc का है, 170 PS की पावर, 350 Nm की टॉर्क के साथ जनरेट करता है, 6 स्पीड के मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। टायर साइज़ की बात करूँ तो 215/60R17 टायर हमें देखने को मिलते हैं। यही सेम कॉन्फ़िगरेशन रहेगी MG हेक्टर प्लस की भी। अब इसके अंदर कंफर्म नहीं है कि डीजल इंजन आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि हमें कुछ भी ऐसी जानकारी नहीं मिल पा रही। वैसे तो कहा जा रहा है कि आएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं, ऑफिशियली कुछ क्लियर नहीं है। तो पेट्रोल इंजन आने की सुविधा है, हाइब्रिड भी साथ में आएगी और डुअल क्लच ट्रांसमिशन भी साथ में आएगा। तो ये सारी सुविधाएं दोस्तों हमें हेक्टर प्लस में भी देखने को मिलेंगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि वेरिएंट्स दोस्तों हमें कौन कौन से देखने को मिलेंगे। वेरिएंट्स हमें देखने को मिलेंगे सुपर, स्मार्ट और शार्प, जैसे कि तीनों वेरिएंट हमें इसमें देखने को मिलते हैं। 6 कलर्स अवेलेबल होंगे, जो कि ब्लू, वाइट, सिल्वर, ब्लैक, बर्गंडी, रेड और ग्लेज रेड कलर आएंगे। इसकी दोस्तों सारी ही कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देखें तो कुछ ज़्यादा खास फर्क नहीं हमें दिखाई देगा, सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिकल चेंजेस बाहर से एक्सटीरियर में, थोड़ी सी रिफ्रेश सी गाड़ी देखने नजर आएगी, और इंटीरियर के अंदर भी हमें एक थर्ड रो सीट ही एक्स्ट्रा देखने को मिल रही है, बाकी कोई खास फर्क नहीं है गाड़ी के अंदर। अगर बात करूँ दोस्तों इसके लॉन्च होने की, तो बुकिंग्स इसकी ओपन है, बुकिंग करवा सकते हैं, सारी डिटेल्स उसमें पड़ी हुई हैं, और 13 जुलाई को ये गाड़ी लॉन्च भी कर दी जाएगी। अब इस गाड़ी की दोस्तों कीमतों का अगर हम कहें तो वो अनवील नहीं की गई हैं, बस इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। अंदाज़ा दोस्तों यही है इसका कि तकरीबन 1 से 1.25 लाख रुपए तक महंगी होगी अब वाली गाड़ी से, यानी कि हेक्टर से हेक्टर प्लस 1 से 1.25 लाख रुपए महंगी होगी। जो अब वाली गाड़ी है
12,72,000 रुपये, 73,000 रुपये शुरू होकर 17-17.5 लाख रुपये तक उसकी कीमतें जाती हैं। तो इसे 1.25 लाख रुपये और महंगा होना, इसका मेरे को अंदाज़ा है इतनी महंगी होगी, इसका क्या औचित्य बनता है या ये लॉजिकली बैठेगी सामने 1.25 लाख रुपये इसका महंगा होना? नीचे कमेंट के अंदर बात करते हैं इसके बारे में। और जब ये गाड़ी लॉन्च हो जाएगी तो उसके बारे में हम देखेंगे, उसके बारे में एक अलग सी वीडियो बनाएंगे, जब वैल्यू फॉर मनी पैकेज कौन सा आया है, फिर इसके वैल्यू फॉर मनी पैकेजेस की कंपेयर भी करेंगे दोनों को, हेक्टर और हेक्टर प्लस को। तो बताइएगा दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो एक लाइक का बटन दबा दीजिएगा, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन बताइएगा जरूर डिसलाइक क्यों कर लिया, क्योंकि इतनी जो मेहनत होती है ना तो उसको डिसलाइक करना थोड़ा सा ऑड लगता है, लेकिन आप डिसलाइक कर सकते हो बट बता के कि क्या आपको कारण लगा। नीचे कमेंट में बात करते हैं, 1-1.25 लाख रुपये महंगा होना इसका क्या वाजिब बनता है कि नहीं बनता है? सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें और तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद दोस्तों।